पब्लिक टीवी आपकी आवाज। 2016 में शादी हुई थी। शादी के बाद इनके मम्मी पापा बहुत कंसर्वेटिव ग्रेडी थे। फिर इन्होंने मेरा अबॉर्शन करवा दिया माला सक्सेना में जबरदस्ती। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश करी समझाने की, पर ये समझ रहे नहीं थे। इन्हें जीवन साथी में भी प्रोफाइल बना के रखी थी। मैंने तो ये की था कि मैं इनके साथ रहूँ कैसे भी। मैंने बहुत रिलेटिव मीटिंग भी रखी, सब कुछ रखी, तो भी ये समझे नहीं। तो मैंने लास्ट इनके ऊपर FIR करवाई कोतवाली पुलिस स्टेशन में। इसके बेसिस में हाईकोर्ट अपील हुए और हाईकोर्ट ने मीडिएशन डायरेक्ट किया था। 16 तारीख को हमारे बीच में एक इंटरिम सेटलमेंट हुआ 15 दिन का। मीडिएटर ने कहा कि आपकी सेकेंड मैरिज है, तो मैंने भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, चलो ये समझ जाएंगे, 15 दिन रह के देखते हैं। तो ये भी बोले मैं रहूँगा, इसके साथ अच्छे से व्यवहार करूँगा, सब कुछ बोला रजत अग्रवाल ने। और रजत अग्रवाल ने साइन किया इंटरिम सेटलमेंट में। जैसे हम हाईकोर्ट से निकले तो ये बोले तुम स्टेशन जाओ। तो मैं स्टेशन चली गई। स्टेशन जाने के बाद मैंने अपने नंबर से कॉल किया तो इन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने जब दूसरे नंबर से कॉल किया तो इन्होंने फ़ोन उठाया, तो इन्होंने बोला कि मैंने हाईकोर्ट और तुम्हें उल्लू बना दिया, तुम तो मेरे प्यार में पागल थी, मैं तो 313 से बचने के लिए मैंने सब कुछ किया है। तो मैंने अपने एडवोकेट को कॉल किया तो मेरे एडवोकेट ने मेरे को हाईकोर्ट वहाँ पर बुला लिया। मैं वहाँ पर गई तो जैसे ही रजत को मालूम पड़ा कि मैं हाईकोर्ट में हूँ, तो रजत ने दोबारा मुझे बोला कि टिकट काउंटर आओ करके। मेरे एडवोकेट को भी बोला इसको टिकट काउंटर भेजो, मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगा। मैं टिकट काउंटर गई, वहाँ पर रजत नहीं था। मैंने उसको बहुत फ़ोन किया, उसने मेरा फ़ोन बिल्कुल रिसीव नहीं किया। उसके बाद रात हो गई थी, अराउंड 8:30 हो गया था, 9 o'clock। तो लड़के लोग ने मेरे ऊपर एक हादसा हो गया कि सारे लड़के मेरे पीछे पड़ गए थे। वो तो मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से मेरे ऊपर रेप ही हो जाता, मैं उधर से रेस्क्यू होके निकली और मैं GRP पुलिस के पास गई और वहाँ पर मैंने उनको बताया तो बोले बस। उसके बाद मैं हाईकोर्ट में मैंने सारा मैटर बता दिया। क्या बोल रहा है रजत? कुछ नहीं कर रहा रजत। उसके बाद सुपरटेक फ्लैट भी नहीं आया, जो हाईकोर्ट में मीडिएशन सेटलमेंट में जो बोला गया था कि मैं सुपरटेक फ्लैट आऊँगा, हस्बैंड वाइफ की तरह रहूँगा, रजत बिल्कुल नहीं आया सुपरटेक फ्लैट। ना मुझे कॉल करता वो, मैं फ़ोन करती हूँ तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाता। बार बार धोखा देते जा रहे हैं। मैं चलो समझ जाएंगे, मैं हर बार समझने की इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ इनसे, ये मुझे हर बार धोखा देते रहते हैं। और ऐसे इसमें वैसे समाज में बोलते हैं कि महिला को उत्पीड़न नहीं करेंगे, हर मीटिंग में बोलते हैं महिला को उत्पीड़न नहीं करेंगे, हम महिला का हम रक्षा करेंगे, और ये मेरे साथ ऐसे कर रहे हो और इनको ये पद दी गई है वैसे समाज में। मेरी जिला अध्यक्ष से नितिन भैया से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस मैटर को देखो और इनसे वो करो, इनकी कैंसिल करो। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।